नेक्स्ट टॉपिक सिनेरियो समझते हैं। लेट्स से कई सारे फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है सैम नाम का, एक फंक्शन है टॉम नाम का, एक फंक्शन है लेट्स से डू समथिंग नाम का, एक फंक्शन है मेन। अब लेट्स से कोई चीज़ मेरे को सबके बीच में कॉमन चाहिए, वो एक वेरिएबल हो सकता है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ वेरिएबल हो सकता है, वो एक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सिंपल, मेक इट ग्लोबल। ग्लोबल बना देंगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं, वन कॉपी विल बी शेयर्ड बिटवीन ऑल फंक्शंस, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। हम ये पहले कर चुके हैं। पॉज करके सिनेरियो लिख लीजिए, जो मुझे आपको सिखाना है वो नेक्स्ट सिनेरियो, पर पहले आप ये लिख लीजिए। तब क्या होगा, कोई अगर मान लो यहाँ पे हम एक एक्स डिक्लेयर करेंगे तो ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। मान लो इसके अंदर से इसको कॉल किया, इसकी वैल्यू 10 सेट करी, फिर इसको कॉल किया, इसमें प्रिंट करवा दी एक्स की वैल्यू, तो 10 प्रिंट होगा। फिर ये एक्स की वैल्यू मान लो 30 सेट करता है, उसके बाद मान लो इसको कॉल किया, ये एक्स की वैल्यू यूज़ करता है तो 30 यूज़ हो जाएगा, या प्रिंट करवाता है एक्स की वैल्यू तो 30 प्रिंट हुआ। आई डोंट मीन टू से ऐसे प्रिंट के बाद गोल ब्रैकेट में एक्स, एक जनरल टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं। सो दिस एक्स विल बी शेयर्ड अमंगस्ट ऑल फंक्शंस। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उसकी कॉपी बनती है, रिकर्शन इस टॉपिक पे हम पढ़ चुके हैं। तो उस कॉपी के लिए कोई एक्स अलग नहीं होगा, यही एक्स सब शेयर करेंगे। पॉज करके लिख लीजिए। अब जो सिनेरियो मेरे को डिस्कस करना है वो ये है कि एक फंक्शन की जो कई सारी कॉपीज बनती है, जैसे फंक्शन कॉल होता है तो कॉपी क्रिएट करी जाती है, फिर अगर वो रिकर्सिव है उसी में से कॉल किया गया तो एक और कॉपी बनेगी, फिर एक और कॉपी बनेगी। लेट्स से अक्रॉस दोज कॉपीज मेरे को एक वेरिएबल शेयर करवाना है, पर मैं नहीं चाहता कि वो किसी और फंक्शन के साथ शेयर हो। आई जॉट डाउन द सिनेरियो। एक सिनेरियो ये सैम फंक्शन है और कुछ कोड है और फिर सैम को कॉल किया, तो मान लो कोड कुछ ऐसा है कि 6 कॉपी बनेगी और फिर लौटने का सफ़र शुरू होगा। मैं चाहता हूँ इन 6 के बीच में एक एक्स कॉमन हो, मतलब वन कॉपी ऑफ वेरिएबल टू बी शेयर्ड अमंगस्ट all copies of a particular function, किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, किसी और के साथ शेयर करना है ग्लोबल बना देंगे। या फिर ऐसा सिनेरियो कि एक सैम फंक्शन है ये कुछ कोड है और मान लो ये मेन, मेन में से सैम को कॉल किया जाता है तो उसकी कॉपी बनेगी, फिर सैम ख़त्म, फिर अगेन सैम को कॉल किया जाता है एक और कॉपी बनेगी, फिर सैम ये कॉपी ख़त्म, फिर अगेन सैम को कॉल किया जाता है एक और कॉपी बनेगी, पर इन कॉपीज़ के बीच में भी एक एक्स कोई कॉमन होना चाहिए। सेम स्टोरी, थ्योरी तो यही है, रिकर्सिव हो या ना हो। तो इसको अचीव करने के लिए we will go for static local variable or we local variable as static कह सकते हो आप। लिख लीजिए अब usually जो example आपको सब जगह मिलेगा, पहले मैं वो jot down करूँगा। वही आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी सिखाने के लिए सैम ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, या पहले बिना स्टैटिक के समझते हैं। int
एक्स इक्वल टू वन, प्रिंटर परसेंटेज डी बैक स्लैश एन कॉमा एक्स और एक्स प्लस प्लस आई एन टी मेन सैम 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 3 बार कॉल किया होगा क्या? सैम को कॉल किया, कॉपी बनेगी, कॉपी के लिए एक्स होगा, उसकी वैल्यू 1 सेट कर दी जाएगी, मॉनिटर पे 1 प्रिंट होगा, रैम में इस एक्स की वैल्यू 2 सेट कर दी जाएगी, पर फंक्शन खत्म होते से ये कॉपी खत्म और इस एक्स की भी डेथ हो जाएगी, लोकल वेरिएबल है। अगेन सैम कॉल हुआ, अगेन एक्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, वैल्यू क्या? 1, मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा? 1, इस एक्स की वैल्यू 2 सेट हो जाएगी, पर फंक्शन खत्म तो ये कॉपी खत्म, ये एक्स भी खत्म, लोकल वेरिएबल की डेथ हो गई। अगेन सैम कॉल हुआ, कॉपी बनी, एक्स बना, एक्स की वैल्यू 1 सेट कर दी जाएगी, मॉनिटर पे 1 प्रिंट होगा, इस रैम में इस एक्स की वैल्यू 2 सेट कर दी जाएगी, फंक्शन खत्म, कॉपी खत्म, ये एक्स भी खत्म। अगेन नथिंग ग्रेट अबाउट दिस पार्ट, बट जस्ट लेट्स चेक इट आउट फॉर द कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। INT x equal to 1, print f percentage d backslash n comma x x plus plus INT main return 0 sam 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 5 करके पूरी स्टोरी लिख लीजिए, कुछ खास नहीं है इसमें, और वो जो खास है वो अगले एग्जांपल में। इसका रिटर्न टाइप वो आईडी रखते हैं, सेम एग्जांपल बनाते हैं, वॉइड सैम स्टैटिक आईएनटी x equal to 1, then printf percentage d backslash n x or x plus plus int mean return 0 sam sam। अब इस एग्जाम्पल को समझने के दो तरीके हैं, सेकेंड वन इज मोर अप्रोप्रिएट, पर बहुत जगह फर्स्ट वन दिखता है, या फर्स्ट वन भी सही है अगर सोचा जाए तो, बट आइडियली स्पीकिंग सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, मेन्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, सैम को कॉल किया, ये लाइन पहले कभी चल चुकी है क्या किसी भी कॉपी के लिए? नो। कोई एक्स के लिए मेमोरी एलोकेटेड है क्या रैम में? नो। तो मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी और आगे जो लिखा है वो काम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू 1 सेट कर दी गई। नेक्स्ट लाइन मॉनिटर पे 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन इस एक्स की वैल्यू 2 सेट कर दी जाएगी, ध्यान रखा जाएगा ये सैम का एक्स है। फंक्शन ख़त्म, वो जो सैम के लिए कॉपी बनी थी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर इसकी मौत नहीं होगी। नेक्स्ट अगेन सैम चला, ये लाइन पहले चल चुकी है, एक्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, तो ये पूरी लाइन इग्नोर कर दी जाएगी। नेक्स्ट लाइन की वजह से मॉनिटर पे 2 प्रिंट होगा, रैम में एक्स की वैल्यू 3 सेट कर दी जाएगी, ये जो कॉपी बनी वो ख़त्म, पर ये एक्स जिंदा रहेगा। फिर सैम को कॉल किया, अगेन कॉपी बनेगी, ये लाइन इग्नोर कर दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है, तो ये लाइन इग्नोर करी तो ये इक्वल टू 1 वाली बात भी गई काम से, इसकी वजह से 3 प्रिंट होगा, रैम में एक्स की वैल्यू
फोर सेट कर दी जाएगी, फंक्शन ख़त्म, कॉपी ख़त्म, और एक ज़िंदा रहेगा, फिर मेन ख़त्म, प्रोग्राम ख़त्म, इसलिए फिर ये एक्स भी ख़त्म। तो नाउ आई कैन से वन कॉपी ऑफ एक्स इज शेयर विथ ऑल द कॉपीज ऑफ सैम फंक्शन। पर इस एक्स का स्कोप इस सैम तक ही सीमित है। अगर कोई दूसरा फंक्शन है टॉम, तो वो तो इस एक्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अभी ये जो एक्सप्लेन किया मैंने कि पहली बार सैम चला, एक्स के लिए मेमोरी एलोकेटेड नहीं है, तो एलोकेट कर दी जाएगी नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, ये लाइन इग्नोर कर दी जाएगी। आई डोंट थिंक टेक्निकली ये स्टेटमेंट सही है या ये एक्सप्लेनेशन सही है, बट स्टिल यू कैन स्टिक टू दिस एक्सप्लेनेशन, और इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी आप पूरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये आपको वर्कआउट ही करना है ना, मान सकते हैं एक्सप्लेनेशन सही है। वॉट आई फील टेक्निकली समथिंग एल्स इज हैपनिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दैट आस्पेक्ट। पहले आप ये लिख लीजिए, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। CPAG259.c AG260.c वी हैव AG260.c स्टैटिक GCC AG260.c माइनस AG260.out AG260.out 1 2 3 पॉज करके लिख लीजिए। अब मुझे क्या लगता है, अब एक्चुअली क्या है कि मेरे को अगर प्रूव करना है तो मेरे को फिर असेंबली लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा, दैट आई डोंट वांट टू डू, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। पर हो क्या रहा होगा ये समझिए, कंपाइलर क्या करता होगा, ये लाइन हटा के इसको ग्लोबल बना देता होगा, यहाँ से हटा देगा और उसको ग्लोबल बना देगा। पर ये भी ध्यान रखेगा कि इस एक्स का एक्सेस केवल सैम में अवेलेबल हो, मतलब अगर कहीं और इस एक्स की बात होती है तो कंपाइलर एरर मैसेजेस जनरेट कर देगा। ये मत सोचिए कि उसको ग्लोबल बना रहा है तो कहीं भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। और फिर एक और डाउट मन में आता है कि पहले से अगर एक ग्लोबल एक्स है तो क्या, तो फाइनल एक्सप्लेनेशन, कंपाइलर इस लाइन को ग्लोबल बना देगा और वेरिएबल का नाम भी कुछ अजीब कर देगा, और फिर इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा उसकी जगह वो नाम रख देगा जो उसने दिया। फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह ऐसा कुछ कुछ रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करी, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स एज एट यू, एक्स एज एट यू, और फिर ये स्टैटिक वर्ड हट जाएगा। तो वो क्या नाम जनरेट करेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होगा कि फंक्शन ख़त्म हो रहा है पर उस वेरिएबल की डेथ नहीं होगी क्योंकि वो ग्लोबल है। बस ये मन में मत लाओ कि ग्लोबल है तो सब एक्सेस कर सकते हैं, कंपाइलर इस बात का ध्यान रखेगा कि एक तो उसको क्या बना देगा ग्लोबल, पर इस बात का भी ध्यान रखेगा कि उस वेरिएबल का इस्तेमाल सिर्फ सैम फंक्शन में हो। मतलब वो करता क्या होगा, सारे ग्लोबल वेरिएबल्स जो है कुछ अलग हटके वो नाम देता होगा, और उसके बाद देखा जाए तो वो नाम सिर्फ सैम में यूज हुआ होगा और किसी में तो यूज हुआ नहीं होगा। हाँ, समझने के हिसाब से आई वुड से कि जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो कन्वीनियंटली समझ में आ जाता है, पर टेक्निकली अभी जो मैंने बोला कि कंपाइलर इसको ग्लोबल बना देगा, एक नया नाम दे देगा अपने हिसाब से, और ये ध्यान रखा जाएगा कि उसको एक्सेस करने का कोड सिर्फ उस सैम में हो कहीं और नहीं हो, दैट इज गोइंग टू हैपन काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करी जाएगी, एक्स की जगह वो यूनिक स्ट्रिंग जो भी होगी वो उस वेरिएबल का नाम बन जाएगा। लिख लीजिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैटिक लोकल वेरिएबल। आगे चल के कुछ आएगा जिसमें हम ग्लोबल वेरिएबल को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, एक फंक्शन को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टैटिक अलग अलग टॉपिक्स में आएगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किसकी बात हो रही है। दैट्स इट, थैंक यू।